हेलो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट में। अभी मैं हूँ सेक्टर 25 द्वारका IACC इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यही अर्बन एक्सटेंशन सेकंड का पैकेज 3 यही आके ख़त्म होता है, उसके बाद ये द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से ही जाना जाएगा इसके बाद। और यहाँ कितना काम हो गया है वो अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर्स की बनवा रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन बनेगा दोनों ही एक्सप्रेसवे के बीच में आपस में जोड़ने के लिए। और यहाँ भी देखो एलिवेटेड वाला हिस्सा कंप्लीट ही दिखाई देता है। सड़क है यहीं से जाते आते थे, और उस साइड जो था वो बन चुका था, खंबे लगे हुए थे, नाम था कि UDR सेकेंड, लेकिन कुछ नहीं था उसके बाद, कुछ हिस्सा बना हुआ था। आप देख सकते हैं आप एलिवेटेड सेक्शन तो काफी हद तक यहाँ बन कंप्लीट ही दिखाई देने लगा है।
फ्लाईओवर नाले के ऊपर। ये पहले हम आए थे लगभग 2 महीने पहले, उस टाइम अपनी इंक्रीज का काम मिडिल स्टेज में था। अब तो इसकी फ्लोरिंग भी ये कंप्लीट बना चुके हैं। और अगर इस साइड देखें IACC की साइड जाते हुए, यहाँ ब्लैक टॉप भी इसका कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कुछ ही दूर है, लगभग आधा किलोमीटर। उसके बाद क्योंकि सेक्शन एलिवेटेड है, उस वजह से ये इतना ही सेक्शन इन्होंने अभी ब्लैक टॉप किया हुआ है। उसके बाद में ये नाले के ऊपर भी देख सकते हैं, 4 सड़कें हैं, 2 बीच में मेन हाईवे के लिए और 2 सर्विस जो रोड बनेगा उसके लिए। ये रोड्स शायद बंद हो जाएंगी या इसके नीचे ये अंडरपास बना देंगे आने वाले टाइम पे। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से लेके श्याम विहार तक भी काफ़ी काम हो चुका है, मतलब काफ़ी से ब्लैक टॉप भी हो चुका है। एक फ्लाईओवर भी चालू था कुछ दिन पहले, देखा था, उसका भी एक अपडेट बनाएंगे।